हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आज के हैं, अपडेट वीडियो के साथ आज के हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, केजीयू में जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है कंप्लीटली भर चुके हैं। एग्जाम सेंटर सिटी है वो भी करवाए जा चुके हैं, लेकिन कुछ एरर की वजह से अभी तक जो एग्जाम सिटी सेंटर है कंप्लीट कैंडिडेटों के नहीं भरे हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, एग्जाम सिटी सेंटर के लिए आपको फिर से एक ऑप्शन मिलने वाला है। यानी कि मेरी जो कल ही बात हुई है, ठीक है, तो उनकी तरफ से ये कहना है कि जो केजीयू में जो एग्जाम सिटी सेंटर है एरर की वजह से कंप्लीटली नहीं भर पाए हैं कैंडिडेट, तो इस वजह से कैंडिडेटों को फिर से मौका मिलने वाला है किसके लिए, एग्जाम सिटी सेंटर्स के लिए। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर बताने वाला कि केजीएमयू का जो एग्जाम है वो कब तक होने वाला है, ठीक है, क्योंकि केजीएमयू के एग्जाम्स के लिए आप सभी के लिए वो काफी कैंडिडेट वेट है कि सर केजीएमयू का जो एग्जाम है कब तक होगा। तो फाइनली मैंने एक छोटी सी अपडेट लेकर आया हूं आपके साथ, केजीएमयू के एग्जाम डेट के बारे में आपको यहां पर डिस्कस है वो करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज जो एग्जाम है यानी एग्जाम प्रीफरेंस है करा चुके हैं, सेंटर प्रीफरेंस करा चुके हैं, लेकिन रीओपन की बात हुई थी, ठीक है। एक छोटी सी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं कि जो रीओपन एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन की बात हुई थी, लेकिन एक छोटा सा नोटिफिकेशन जारी किया गया था केजीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, वो मैंने वीडियो डाल रखी है, जाके देख लीजिएगा। बाकी उन्होंने वो जो नोटिफिकेशन है उन्होंने तुरंत वहाँ से हटा दिया गया, ठीक है, तुरंत वहाँ से हटा दिया गया है। इसका मतलब हम क्या समझे, क्या जो रीओपन है वो नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि तुरंत हटाने का मतलब है कि कोई चीज़ें गलती से डाल दी, या फिर अगर दोबारा डालने की हो सकता है उसे दोबारा एडिट करके या फिर जो नोटिफिकेशन है उसको जारी किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी के बारे एग्जाम डेट के बारे में यहाँ पर जो डिस्कस है वो करने वाले हैं। तो आप सभी को मतलब आपके जो एग्जाम एडमिट कार्ड है यानी कि आपके एडमिट कार्ड 25 अक्टूबर और से लेके और 30 अक्टूबर तक आके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके पास पहुंच जाएंगे, यानी कि केजीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में। और आपको मैं बता दूं, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है यानी कि जो केजीएमयू का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा दीपावली के बाद, ठीक है, यानी कि दीपावली क्या है, 12 नवंबर की आपकी दीपावली है, तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है 12 नवंबर के बाद में। कभी भी आपका क्या जो केजीएमयू का जो एग्ज़ाम है वो करवाया जा सकता है। तो जो कैंडिडेट रेगुलरली तैयारी करते रहें वो अपनी तैयारी पर पूरा फोकस रखें और रेगुलर तैयारी करते रहें, ठीक है। जैसे ही कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड या एडमिट कार्ड से रिलेटेड या फिर एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन से रिलेटेड अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप सभी के लिए सबसे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही अपडेट हम आपके पास टाइम से लाते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।